हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल मामा नाहम पे। मैं पिंकी आज आपको बना के दिखाऊंगी खीरे वाली लस्सी। ये है नवरात्र स्पेशल। मेरे इंग्रेडिएंट में है एक पैकेट छाछ, ये प्लेन छाछ है, और एक खीरा, एक चुटकी अजवाइन, दो चुटकी जीरा, साबुत जीरा, और हरी मिर्च, ये धनिया के पत्ते। आप धनिया के पत्ते की जगह पर पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं, उससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। और ये सेंधा नमक है। सबसे पहले हमें खीरे को छील लेना है। खीरा को हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और इसको धो लेना है। जी छाछ प्लेन छाछ है, इसको मैंने थोड़ी देर फ्रीजर में जमा लिया था ताकि मुझे ऊपर से एक्स्ट्रा बर्फ ना डालना पड़े, क्योंकि ऊपर से एक्स्ट्रा बर्फ डालूंगी तो जो लस्सी है थोड़ी पतली हो जाएगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब जो हमारा साबुत जीरा है उसको थोड़ा भून लेते हैं। तड़का पैन थोड़ा गर्म हो जाए इसमें, तब जीरा डालेंगे। तड़का पैन हमारा गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे। हम जार लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लस्सी। इसके बाद डालेंगे इसमें खीरा। धनिया पत्ता सिर्फ एक ही डालना है, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा। और एक चुटकी अजवाइन, और साबुत जीरा जो हमने भुना था वो भी एक चुटकी डालना है थोड़ा सा। और जो हरी मिर्च है वो पूरी एक या दो नहीं डालनी है, बहुत मिर्च हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा काट के डालना है सिर्फ टेस्ट के लिए। और सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। ये हमारी तैयार है खीरे वाली लस्सी, जो कि हम व्रत में पी सकते हैं। आज मेरा फास्ट भी है और ये मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। और ये लस्सी आप भी अपने घर में ट्राई करिए, और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा के, और घंटी को दबाएँ, इससे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियो के।